हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड है। यू नो दैट कि अभी छोटे बच्चे यानी LKG, UKG, नर्सरी एंड क्लास वन के लिए एडमिशन्स ओपन हो गए हैं और दिल्ली NCR के अंदर हम लोग बहुत वरीड हो जाते हैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कि उनका एडमिशन कहाँ पर कराया जाए। तो आज मैं पर्टिकुलर एक स्कूल्स के लिए आपसे बात करने आया हूँ कि अगर इफ़ यू आर थिंकिंग दैट कि मुझे अपने बच्चे का एडमिशन से FO स्कूल या KV स्कूल या आर्मी स्कूल में कराना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस हैं और उसके लिए मुझे क्या क्राइटेरिया बच्चों की फुलफ़िल होनी चाहिए। आज मैं अभी बात करने वाला हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए, जहाँ पे मैंने जाकर चीज़ें बहुत सारी चेक करी हैं कि क्या बच्चे का एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसको किस तरह का एग्ज़ाम फॉलो करना पड़ेगा एडमिशन क्लास वन के लिए और फॉर्म कि क्या कॉस्ट है और वो कैसे मिल सकता है। तो ये जो एडमिशन फॉर्म है जो कि मैं लेके आया हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल से, ये मुझे मिला है 50 रुपीज़ का। आपको मैं जस्ट ओवर यू दिखा देना चाहता हूँ कि ये इस तरह का फॉर्म दिया गया है मेरे को जो कि 50 रुपीज़ का है। इसको उन्होंने मेंशन करा है कि बहुत ही तरीके से इसको फिल करना है, इसको कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें फिर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा बच्चा। अच्छा, इस फॉर्म को फिल करने के लिए उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि एज क्राइटेरिया पहले फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन के लिए बच्चे का एडमिशन है उसके लिए पहले 5 ईयर्स एज होनी चाहिए थी, 5 ईयर प्लस 1। नाउ अभी उसके मॉडिफाई कर दिया गया है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, इस 6 प्लस कर दिया गया है। बट यहाँ मैं आपको एक चीज़ और करेक्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा 5 साल प्लस यानी 5.5 साल का है तो भी वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिल सकता है, ऐसा मुझे इन्फॉर्म किया गया है। तो आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए और अभी मैं आपको ये गो थ्रू कराता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे देख सकते हैं कि ये अब आर्मी पब्लिक स्कूल का एडमिशन फॉर्म है जो कि मैंने कलेक्ट किया है स्कूल से डायरेक्टली जाकर और इसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ है। मेक श्योर आप लोग ना जब भी जाएं तो खुले रुपीज़ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि वहाँ पर खुले पैसे की थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर आप इस फॉर्म को लेना है जाना है तो आप मेक श्योर खुले पैसे लेके जाएं इसको परचेज़ करने के लिए। और पर्टिकुलर ये फॉर्म में ना एक फॉर्म नंबर होता है जो कि फिल करके दिया जाता है आपको, तो दिस इज़ अ यूनिक फॉर्म एंड मैं अभी आपको गो थ्रू कराता हूँ कि इसको फिल कैसे करना है। अगर आप इसको चेक कर रहे होंगे आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, तो आपको ऊपर ये दिखेगा कि यहाँ पर सेगमेंट वाइज है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस कैटेगरी के पर्सन के एडमिशन के लिए ये बच्चे के एडमिशन के लिए ये एप्लीकेबल है। जैसा कि मैंने ये सिविलियन के लिए लिया है तो यहाँ पर सिविलियन में उन्होंने ऑलरेडी टिक करके रखा हुआ है और यहाँ पर आपको ना एकदम एग्जैक्टली उतना ही स्पेस में बच्चे की फ़ोटो लगानी है। दिस इज़ द एडमिशन फॉर्म फॉर दी क्लास वन। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रॉपर ब्लॉक में ब्लॉक लेटर्स में हमें मेंशन करना है स्टूडेंट का नेम, पूरा ब्लॉक लेटर में जाएगा और देन डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे अटैच प्रूफ भी करना है लाइक आधार कार्ड एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और यहाँ पे एज भी मेंशन करनी है। अच्छा, अभी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ पर ये स्कूल लास्ट स्कूल एंड एग्ज़ामिनेशन परसेंटेज वगैरह जो है, लाइक अभी तो बच्चा पढ़ रहा होगा नर्सरी या LKG UKG में, तो अगर उसको फर्स्ट का एडमिशन चाहिए तो उसके लिए ना ये फिल करने की अभी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। नाउ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर किस क्लास के एडमिशन के लिए आपने ये फॉर्म लिया हुआ है तो यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है कि ये एडमिशन फॉर आपको मेंशन करना है ये फर्स्ट क्लास के लिए है, सेकंड क्लास के लिए, किस क्लास के लिए एडमिशन के लिए फिल कर रहे हैं आप। एंड यहाँ पे हमें सबलिंग की डिटेल भी डालनी है, अगर आप बच्चे का कोई भी ब्रदर एंड सिस्टर्स जो कि बड़े हों वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पर फादर नेम और मदर नेम मेंशन करना है हमें, यहाँ पर अगर वो सिविलियन है तो उन्हें रैंक वगैरह कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिविलियन के लिए नॉट एप्लीकेबल है ये। बट अगर वो डिफेंस से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ज़रूर उनको अपना रैंक डिटेल वगैरह डालनी है, ऑक्यूपेशन है, एनुअल इनकम है, ऑफिस एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस है। एड्रेस बेसिकली वही डालना चाहिए जहाँ पे एड्रेस प्रूफ आपके पास वैलिड एड्रेस प्रूफ हो, ठीक है। तो फॉर्म एक्चुअली क्या होता है कि 50 रुपीज़ का फॉर्म है और बार बार आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि आप फिर से जाएँ और लेके आएँ,
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे प्रॉपर फिलिंग करने से पहले एक बार अच्छे से ओवरव्यू कर लें। और इसके आगे और भी डिटेल्स है कि वो अगर यूनिट किस यूनिट से बिलोंग कर रहे हैं, डिफेंस पर्सनल्स, और ये सब चीज़ें अगर सिविलियंस के लिए हैं तो नॉट अप्लीकेबल है, यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पेरेंट्स के सिग्नेचर एंड गार्जियन के सिग्नेचर्स होंगे, ये आपको फिल करना है। तो प्रॉपर ये ओवरव्यू हुआ फॉर्म का, जहाँ पर हमें फॉर्म के साथ के बच्चे का KYC डॉक्यूमेंट, मतलब आधार कार्ड एंड बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ हमें सबमिट करना है, साथ में पेरेंट्स के KYC के साथ। दोस्तों ये रहे सारे अपडेट्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स फॉर फर्दर न्यू अपडेट्स।